नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वाराणसी दौरा, जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा यूपी में जीत की हैट्रिक के बाद भी नहीं खुले राजनीतिक पंडितों के दिमाग, जनता ने वोट बैंक की राजनीति को नकारा। अरुणाचल प्रदेश में 29 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बीजेपी नेता पेमा खांडू, राज्यपाल से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग ने संभाला मुख्यमंत्री का पदभार। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी, पंजाब और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी हाईकमान को भेजा इस्तीफा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने भी की थी पद छोड़ने की पेशकश। शारदा घोटाला मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, मांगी कुछ और दिन की मोहलत। पश्चिम बंगाल सरकार ने राजीव कुमार से ड्यूटी पर लौटने को कहा। और जर्मन के म्यूनिख में खेली जा रही आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के सौरभ चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता गोल्ड मेडल। और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वाराणसी पहुंचकर जनता का आभार जताया। पीएम के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। काशी पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर गए, जहां पे उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उसके बाद हस्तकला संकुल पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन तीन चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाता दिया व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। और तीन तीन चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, तीन तीन चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में मतदाताओं का आभार जताने पहुंचे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग जगह जगह मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद उन्होंने पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति को हमने नहीं माना, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। यह हमारी निष्पक्ष सोच थी, निष्पक्ष सोच थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके सबका साथ सबका विकास, सबको अवसर, और उसका कारण है
कि हम सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का फैसला कर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की राजनीतिक विचारधारा के कारण हत्याएं हुई हैं। हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई जगह भाजपा का नाम लेते ही छुआछूत का माहौल बनाया जाता है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत मोल ली है, उनकी हत्याएं हुई हैं। उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं को। बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा है। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है, केरल में हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेट का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे में उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी, वाराणसी। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के दौरे में प्रधानमंत्री के साथ थे। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री 2014 में काशी से प्रतिनिधि चुने गए, उसके बाद से ही वाराणसी के विकास के लिए दिन रात लगे रहे। बड़ौदा और काशी चयन करने का समय आया, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर करे बगैर कहा कि मैं काशी का सांसद रहना पसंद करूंगा। और मित्रों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता क्या होती है, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो चुनौतियां का सामना करने में विश्वास करता हो, काम न दिखाई पड़ना हो तो काम ढूंढने में विश्वास करता हो और काम और चुनौतियों को सांगोपांग रूप से पार कर यशस्वी तरीके से देश को आगे बढ़ाने में विश्वास। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आंख बंद कर आप देखिए 2014 का काशी और आज का काशी, कितना बड़ा अंतर काशी के इसमें आया। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है। मेहनत की पराकाष्ठा करके, हर एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, बिना मूल्य और आदर्शों से झुके हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसे मूर्त रूप पर धरातल पर उतार करके, संगठन को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके, आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो तस्वीर हम सबके सामने उभर करके सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें स्वयं अर्जित कर ले, यह अद्भुत करने वाला है, एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है, हर एक कार्यकर्ता को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। और वाराणसी से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की धरती पर पहुंचे, काशी वासियों को धन्यवाद देने के लिए। आज दिन भर के उनके कार्यक्रम को एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे और वहां पर जो मुख्य बातें प्रधानमंत्री ने काशीवासियों से कही। अमृता, हम लोग इस वक्त बनारस के सबसे व्यस्तम बाजार में खड़े हैं। ये चौकी बादोलिया के नाम से जाना जाता है।
मेरे ठीक पीछे गंगा माँ का घाट है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है सवेरे। और पिछले 2014 में जब प्रधानमंत्री अपने जीत के बाद आए थे तो इसी गंगा आरती में शामिल हुए थे। सवेरे आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे जब वो अपने हवाई जहाज़ से पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुँचे और उसके बाद सड़क के रास्ते बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वो चले गए। उसके बाद सड़क के दोनों तरफ जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए थे और वो अपने नेता की एक झलक मात्र पाने के लिए बेताब थे, तो पूरे सड़क के दोनों तरफ जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लोगों की यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग हुजूम उमड़ा हुआ था। और हालांकि ये कोई निर्धारित रोड शो नहीं था, लेकिन बावजूद उसके जब भी प्रधानमंत्री किसी भी सड़क से आज गुजरे तो चारों तरफ सड़क के दोनों तरफ और ऊपर नीचे जितने भी जगह थी खड़ा होकर देखने की, तमाम जगह पर हमको भीड़ और हुजूम जबरदस्त उत्साही कार्यकर्ता और उनको देखने के लिए यहाँ के जो लोग थे वो खड़े रहे, चारों तरफ हम लोगों को दिखाई दिए। और प्रधानमंत्री ने देखिए अपने भाषण में आज जो संकुल में उन्होंने भाषण दिया उसमें स्पष्ट किया कि लंबे अरसे से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक तौर पर छुआछूत का शिकार रखा गया और जो राजनीतिक पंडित थे वो लंबे अरसे तक आज भी यही कहते रहे हैं कि बीजेपी केवल एक हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल से लेकर के और कर्नाटक से लद्दाख तक जिस तरीके से अलग अलग गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जीत हासिल की है, उसके बाद अब राजनीतिक पंडितों को अपने विचार बदलने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ता और सरकार का काम अगर ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और एक दूसरे को पूरक बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर मैजिक जो है वो जादू क्रिएट होता है और यही जादू यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी भारी सफलता पूरे देश में हासिल हुई है। और साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री ने बंगाल और केरला का नाम लिए बिना कहा कि किस तरीके से उनके विचारधारा से जुड़े लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ा और जिसमें कई अहम कार्यकर्ताओं की जान भी चली गई है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी जो पार्टी है और बीजेपी की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेकर चलने की है। बिल्कुल रविंद्र, काशीवासियों के लिए और काशी के लिए प्रधानमंत्री का जो समर्पण रहा है, जो उनके कार्य रहे हैं पिछले 5 साल में, वो किसी से छुपे नहीं है और आज वो फिर एक बार इस क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे थे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी नेता प्रेमा खांडू 29 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज प्रेमा खांडू ने बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल बीडी मिश्रा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने 29 मई शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ट्वीट किया और प्रेमा खांडू को बधाई दी है। इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पेमा खांडू को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। नवी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को पूरा हो रहा है, जिससे पहले नई विधानसभा का गठन किया जाना है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में पहली बार 41 सीटों पर जीत हासिल की है। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले के नाम से मशहूर प्रेम सिंह तमांग ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में पीएस गोले और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बाद में किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 32 सीटों में से 17 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 15 सीटों पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी है। एक के बाद एक पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने अपने इस्तीफों की पेशकश की है। चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। सुनील जाखड़ खुद पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें बीजेपी प्रत्याशी सनी देओल के हाथों हार झेलनी पड़ी।
सुनील जाखड़ से पहले झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने भी राहुल गांधी के पास अपना इस्तीफा भेजा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर भी अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। यहां तक कि खुद राहुल गांधी ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी की ओर से उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया गया। और आइए बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर, देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देखिए देश देशांतर मेरे साथ आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ, 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार, और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा, ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। के बाद स्वागत है आपका, और आपको बता दें इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक समूह के नेता शामिल हो सकते हैं। भारत की तरफ से बिम्स्टेक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपको बता रहे हैं, बिम्स्टेक समूह में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि उनके प्रधानमंत्री शेख हसीना 30 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाएंगी क्योंकि उन्हें मंगलवार को 3 देशों की यात्रा पर रवाना होना है। बांग्लादेश की तरफ से उनके कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री AKM मुजम्मल हक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2014 में अपने पहले कार्यकाल के लिए शपथ लेने के दौरान सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन से। अखिलेश, जिस तरह की खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, और क्या अपडेट आपके पास?
निश्चित तौर पे बिल्कुल सही खबर है अमृता की, बिम्स्टेक देशों के जो शासनाध्यक्ष है उनको आमंत्रित किया गया है। और बिम्स्टेक में जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश, भारत के अलावा म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। और बिम्स्टेक का खास महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि जिस तरीके से सार्क की विफलता सामने आई है पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों के कारण इस पूरे इलाके में, उसके बाद भारत ने बिम्स्टेक को आगे बढ़ाना शुरू किया था। और आपको याद होगा कि गोवा में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन में बिम्स्टेक के सभी शासनाध्यक्षों को बुलाया गया था। तो पहली बार भारत ने यह पहल ली थी कि बिम्स्टेक को प्रमुखता देनी है, क्योंकि बिम्स्टेक के ऐसे जो देश हैं वो शांति प्रिय देश हैं और वो विकास चाहते हैं और उनके साथ भारत के संबंध भी अच्छे हैं, सांस्कृतिक संबंध, राजनयिक संबंध, राजनीतिक संबंध सभी अच्छे हैं। तो बिम्स्टेक को आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ बड़ा परिवार है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनको आमंत्रित किया है। इसके अलावा एससीए के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं किर्गिज रिपब्लिक के राष्ट्रपति, उनको बुलाया गया है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया है। तो बिम्स्टेक के अलावा दो अन्य देशों को बुलाया गया है और इसके माध्यम से एक तरीके से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मामलों से संबंधित अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है कि कौन कौन से देश उनके लिए सबसे अहम है, जो पड़ोसी देश हैं या जो बहुत ही घनिष्ठ रूप से सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि अभी जी बिल्कुल अखिलेश, तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर, बिम्स्टेक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं 30 मई को राष्ट्रपति भवन में होना है शपथ ग्रहण समारोह और इन्हें आमंत्रित किया है। और जैसा कि अखिलेश कह रहे थे कि सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के इसमें आने की संभावना भी है। और अब आगे बढ़ेंगे, 17वीं लोकसभा के पहले संयुक्त सत्र को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के महासचिवों के बीच आज अहम बैठक हुई है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के बीच हुई इस बैठक में संयुक्त सत्र से जुड़ी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इसी दिन लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे। दरअसल 16वीं लोकसभा का विघटन हो चुका है और 17वीं लोकसभा के लिए 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले महीने की 6 से 15 तारीख तक होने की संभावना है। शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है। राज्यसभा टीवी लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए कई सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर बात की है। नवनिर्वाचित सांसदों से बात की है हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टिपू ने। हमारे साथ गोपालगंज से जेडीयू के सांसद आलोक कुमार सुमन हैं, जो कि पहली बार चुन करके संसद में आए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहली बार आप संसद में चुन करके आए? जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये भरपूर जनता का आशीर्वाद है। ये अपना जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? मैं अपनी आम जनता को जीत का श्रेय देता हूँ और इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि आप बिहार के गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं, चुनाव आपने जीता वहाँ से, किस तरह के मुद्दे आपकी जहन में हैं कि क्षेत्र के मुद्दों को आप संसद में किस तरह से उठाएंगे आप? मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों के बारे में मैं सबसे पहले विचार किया, मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता के बीच बैठकें करूंगा, उनकी समस्याओं को समझूंगा और फिर प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करूंगा, उसके हिसाब से मैं अपना वर्क करूंगा। क्या विज़न आप रखते हैं, चूँकि आप संसद में 17वीं लोकसभा का एक हिस्सा होंगे, एक सम्मानित मेंबर होंगे, विज़न क्या है ओवरऑल क्षेत्र के लिए और देश के लिए आपका? सर्वांगीण विकास एक ही विज़न है, हर तरह का विकास होना चाहिए क्षेत्र में, देश में, यही मेरी विज़न है। हमारे साथ पहली बार नवनिर्वाचित सांसद सुरेश भाई धानोरकर हैं, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कांग्रेस सांसद हैं, पहली बार संसद में चुन करके आए हैं। कांग्रेस के एमपी हैं, कांग्रेस की 52 सीटें हैं अभी। किस तरह से आप मुद्दों को उठाएंगे और क्या विज़न है आपका फिलहाल पार्लियामेंट? मैं महाराष्ट्र से अकेला एमपी हूँ। महाराष्ट्र की हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, महाराष्ट्र हमारे स्टेट की और साथों साथ इंडिया में जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, हर मुद्दे को उठाएंगे। किसानों के मुद्दों को किस तरह से आप एड्रेस करेंगे संसद में? किसानों को मुद्दे तो हम उठाएंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ा महाराष्ट्र में भी प्रॉब्लम है इरिगेशन का। जहाँ जहाँ इरिगेशन के डैम होना चाहिए
रिवर पे वहाँ वहाँ काफ़ी सारे इरिगेशन के डैम होना चाहिए, पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है महाराष्ट्र के लिए। और बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और वो कैसे वो चालू कर सकते और नए उद्योग धंधे नए बिजनेस कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर देखा जाएगा। हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी हैं जो बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पौड़ी से पहली बार निर्वाचित होकर के 17वीं लोकसभा का हिस्सा होने जा रहे हैं। साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप पहली बार संसद में चुन करके आए। धन्यवाद, थैंक यू जी। किस तरह का विज़न लेकर के आप संसद में जाएंगे, किन मुद्दों को उठाएंगे आप? देखिए अपना सीधा सीधा फंडा है जनता की सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना और देश के लिए राष्ट्र के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करना। जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखे मैं जीत का श्रेय देखे मोदी जी, और मोदी जी ने जो 5 साल काम किए ना प्रधानमंत्री जी, जिस तरह विश्वास मैंने कहा ना अपार लोगों का विश्वास जगा कि ये हमारा विकास, जनता को लगा विकास मोदी कर सकते हैं, देश की सुरक्षा रक्षा ये सारी चीज़ें उनको जगी। तो जनता जनार्दन सबसे और कार्यकर्ता इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। नुसरत जी आप पहली बार चुन करके आई हैं और युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किस तरह के मुद्दों को आप संसद में उठाएंगी? बहुत ज़रूरी थी कि युवा पीढ़ी आगे आकर, बहुत सारे मुद्दे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, सो आई विल पुट फॉरवर्ड दैट इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई हैव माई प्लान्स रेडी, सो इंशाल्लाह आई होप वी आर सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? एब्सोल्युटली मेरे लोगों को, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत बहुत आशीर्वाद से मुझे सराहा है एंड आई एम वेरी वेरी लकी एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू माई पीपल। उन लोगों का बहुत विश्वास और भरोसा है मेरे पे, जिससे मुझे जिस कसौटी पे मैंने पैर रखा है उस पे मुझे एकदम कायम रखना है खुद को। ओवरऑल विजन संसद में क्या होगा? द बेटरमेंट, not only development, I really want to bring about a change in the lifestyle of people and the thought process of people. Thank you. तो नुसरत जहां जो कि बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सबसे युवा लोकसभा की सांसद हैं जो यहां पर चुन करके आए, इनका मानना है कि ये डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी दिल्ली। 17वीं लोकसभा के पहले संयुक्त सत्र को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के महासचिवों के बीच आज एक अहम बैठक हुई है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के बीच हुई इस बैठक में संयुक्त सत्र से जुड़ी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इसी दिन लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे। दरअसल 16वीं लोकसभा का विघटन हो चुका है और 17वीं लोकसभा के लिए 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले महीने की 6 से 15 तारीख तक होने की संभावना है। शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लीजिए इजाजत, नमस्कार।